नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीत न्यूज और हम इस समय मौजूद हैं जींद के इनेलो बसपा गठबंधन के ऑफिस में। और यहां पे जो इनेलो बसपा का संयुक्त उम्मीदवार उमेद सिंह रेड्डू हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनके उनसे उन चुनाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है। आने के बाद में यहाँ पे चुनाव का कोई क्या समीकरण बदल गया जी? ये तो आप देखो, आप घूमते हो, प्रेस वाले हो, आपसे ज्यादा ज्ञान किसी को, एक तरफ ही लहर होगी हमारी। आप जो गांव के लोगों के बीच में घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं कि झंडे लोगों ने उतारे हैं, वो उसके पीछे कितनी सच्चाई है, आपको कितना लगता है कि वो? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। ये तो जो ये बाहर से ये बालक आए हुए हैं दुष्यंत जी के, दिग्विजय सिंह के साथ, ये जबरदस्ती लगा देते हैं। लेकिन जब हमारे नेता का प्रतीक के नाम इनके व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ ही नहीं है, तो लोगों में आक्रोश है इस बात का, भाई ने गलत किया है। आज हमें पता चला है कि सरकार ने आदेश दिए कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो 25 तारीख के बाद यहां से ना दिखें। आपको इस बात का कोई, आपकी पार्टी पे या किसी और पे क्या प्रभाव लगता नहीं, है? मेरे को तो बहुत बड़ी खुशी है। हमारी तो जितनी जींद की जनता है, जितने लोग दुखी हो रखे हैं, एक एक घर में दस दस रिश्तेदार पड़े हैं आगे, हमारी पार्टी की तरफ से कोई नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के मजबूत हैं हम यहाँ। ये और जो लोकल हैं, पार्टी भी हमारी मजबूत है यहाँ, हमारे कार्यकर्ता बहुत हैं, हमारे को मतलब हमारे पास बाहर के नहीं है, मोस्टली के नाम कांग्रेस और जेजेपी के पास बाहर से, और अब बीजेपी के आए हुए। अब आपको जींद की जनता कितना प्यार देगी, आपको कितना इससे उम्मीद लगता है? मेरे को तो 100% उम्मीद लगती है और प्यार देगी, और प्यार मिल रहा है मेरे को तो। मैं तो यहाँ एक लोकल आदमी हूँ और सामाजिक आदमी हूँ, और दिन रात लोगों की सेवा में लगा रहता हूँ, तो जो सेवा करेगा तो उसको लोग भी प्यार करेंगे और भगवान भी आशीर्वाद देगा। धन्यवाद जी। जो इनेलो पार्टी और बसपा पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं, इनका साफ कहना है कि यहाँ की जींद की जनता इनको बहुत प्यार करती है। इसके साथ ही आप ने इस खबर को देखा, धन्यवाद। और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप जीत न्यूज़ पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।